एक दो महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी, कांग्रेस से जब फ्रंट के बारे में बात होता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वहां पे टीएमसी नहीं जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ईडी के खिलाफ कभी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं, कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते हैं, और आप आके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला में आ रहे? सी, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है, कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। 19 के इलेक्शन के समय कई मुद्दे थे, जैसे उसके बाद एनआरसी था और राम मंदिर था, या इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस समय आपको क्या 2024 के प्रमुख मुद्दे जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट के सामने क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है, बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है। और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं बंगाल में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और शूद्रों पर आधारित होगा सर? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है कई तरह के मुद्दे चलेंगे, कुछ दिखाई देंगे मुद्दे, कुछ नहीं दिखाई देंगे।